Maharashtra is the main state where most of the people, it may be politicians, common people, each and everyone will concentrate on Maharashtra. उधर क्या होता है बोल के सब लोगों को वो टेंशन रहता. तो इसके लिए हम लोग बहुत चैलेंजिंग लिया. 288 constituencies, we did IVR, telephonic, basic on ground information, और surveys, sleeper cells, हमारा जो भी हमारा मतलब strength है, हर एक constituency में उधर काम करने वाला एक sleeper cell जैसा रहता, मतलब उधर क्या हो रहा है, किसको लोग जा रहे, मतलब महायुति को बारे में क्या सोच रहे, ऐसा हर एक इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के बारे में क्या सोच रहे. सो वी टुक ऑल दिस कंसिडरेशन, ऑल द सैम्पल्स, कंसोलिडेटिंग एवरीथिंग एंड वी आर प्रेजेंटिंग यू. सो वी टुक दिस वन एज अ चैलेंज. आई होप आफ्टर द 3 days, 23rd वील गेट द रिजल्ट्स एंड वी प्रे टू द गॉड एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज वी डिड ऑन ईच एंड एवरी कॉर्नर where we should not lose a single Vidhan Sabha. So we are 100% confident as of now. So here comes the time. We have to discuss on the Maharashtra exit polls from the KK surveys. We'll do one by one. We'll discuss one by one. Stay with us. So final numbers discuss karne ka pehle, hum har ek district ko, har ek vibhag ko lenge. उधर महायुति कितने सीट से जीत रहे, अगर नहीं तो महाविकास कितने सीट से उधर जीत रहे, वी विल डिस्कस ऑन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल वे. लेट्स स्टार्ट विद द कोंकण. सो कोंकण, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट दे आर हैविंग. मुंबई सुब्रमण्यम में डिस्कस कर रहे. सो महायुति आउट ऑफ 26 सीट्स विनिंग इन 23 सीट्स, महाविकास आघाड़ी केवल 3 सीट्स इधर जीतने का चांसेस है. सो बाद में और एक डिविजन लेंगे, मराठवाड़ा. सो मराठवाड़ा में ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर वी आर हैविंग. अगर आप देख लीजिए औरंगाबाद, औरंगाबाद में टोटल 9 सीट्स है, उसमें 4 सीट्स महायुति जीत रहे और महाविकास आघाड़ी दे आर विनिंग 3 सीट्स, अदर्स को 2 जा रहे. इफ यू टेक नांदेड़ एन एग्जाम्पल, देर आर टोटल 9 सीट्स, 8 सीट्स टोटल आउट ऑफ नांदेड, 8 सीट्स आर गोइंग टू महायुति, केवल 1 सीट इट महाविकास आघाड़ी इज विनिंग. सो अदर्स की इधर कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट वील टेक नॉर्थन महाराष्ट्र. नॉर्थन महाराष्ट्र में आप जलगांव है, नासिक है, अब देख लीजिए अहमदनगर पूरा 12 सीट है, इन 12 सीट्स महायुति इज विनिंग 9 सीट्स, महाविकास आघाड़ी केवल 3 सीट्स जीतने का चांस है. जलगांव में पूरा 11 को 11 महायुति जीतने का चांसेस है. अब नासिक को देख लीजिए, नासिक में पूरा 15 सीट्स है, 15 सीट्स में 9 सीट्स महायुति का जाने के लिए चांसेस है और महाविकास आघाड़ी को केवल 4 सीट्स मिलेगा और अदर्स को इधर 2 सीट्स. और एक डिविजन लेंगे हमें विदर्भ. विदर्भ में ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, अब देख लीजिए उधर अमरावती, अमरावती में पूरा 8 सीट्स है, 8 का 8 महायुति जीतने का चांसेस है, पूरा महायुति 8 का 8 क्लीन स्वीप अमरावती में. अब नागपुर देख लीजिए, नागपुर में 12 सीट है, 12 का 12 महायुति जीत रहे इधर. परंपरा ऐसा चल रहा है कि हर एक जगह में, हर एक डिवीजन में, हर एक जिला में महायुति इज विनिंग वेरी ड्रास्टिकली इन ईच एंड एवरी डिवीजन एंड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट. वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपको कोल्हापुर है, पुणे है, सोलापुर है. कोल्हापुर में आप देख लीजिए पूरा 10 सीट्स है, तो 10 सीट्स में 7 सीट तक महायुति जीत रहे और केवल महाविकास आघाड़ी इधर 2 सीट जीतने का चांसेस है और अदर्स को 1 सीट जाने का चांसेस है. सब लोगों का यही डिस्कस कर रहे हैं. पुणे में क्या आ रहा है, पुणे में पूरा 21 सीट्स है, आउट ऑफ 21 महायुति इज विनिंग 14 सीट्स, केवल महाविकास आघाड़ी को 7 सीट्स मिलने का चांसेस है. पूरा महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र में हर एक डिवीजन ले लिया तो, हर एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया तो, केवल सोलापुर में 11 सीट्स में 5 सीट्स महायुति जीत रहे और ज्यादा सीट्स, 1 सीट ज्यादा महाविकास आघाड़ी 6 सीट जीतने का चांसेस है. मतलब पूरा महाराष्ट्र में आप एक जिला ले लिया तो सिर्फ एक जिला में महायुति से महाविकास आघाड़ी 1 सीट ज्यादा जीतने का चांसेस है. इसके अलावा, इसके बिना, देर इज नो वन डिस्ट्रिक्ट विच महाविकास आघाड़ी इज विनिंग मोर देन 1 सीट देन महायुति. पूरा महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र मत्तों दीसुकुंटे केवलम शोलापुर जिल्ला मात्रमे ओके ओक्क सीटु महायुति कंटे महाविकास आघाड़ी ओक्क सीटलो एक्कु गेलुस्तुंदी. सो इफ यू टेक ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स यू कैन कंपेयर लेटर बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स. सो विल टेक द रीजन वाइज, कोंकण में पूरा 81 सीट्स है, कोंकण में पूरा 81 सीट्स है, तो 67 सीट्स इज गोइंग टू महायुति आउट ऑफ 81 सीट्स. महाविकास आघाड़ी केवल इधर 12 सीट्स, केवल इकड़ 12 सीट ले, सिर्फ
12 सीट से जीतने का चांस है, अदर सीट इज गोइंग टू 2। मराठवाड़ा में पूरा 46 सीट है, मराठवाड़ा में पूरा 46 सीट में 34 सीट्स महायुति को जा रहे, अब केवल 10 सीट्स महाविकास आघाड़ी को जा रहे, अदर्स 2 सीट्स जा रहे। नॉर्थन महाराष्ट्र में पूरा 47 सीट्स है, उसमें 36 सीट्स, मार्क माय वर्ड्स, 36 सीट्स आर गोइंग टू महायुति महाविकास आघाड़ी, इट इज गोइंग ओनली 9 सीट्स, 9 सीट्स मात्रमे महाविकास आघाड़ी इकड़े गेलवबोतुंदी, अदर्स इट इज गोइंग टू 2 सीट्स। If you take the prestigious Vidarbha seats where Mahavikas Agadi is much confident over there, but Mahavikas Agadi only 5 seats in Vidarbha, but if you take Mahayuti, it is winning 51 seats out of 56 seats, it is winning 51 seats in Vidarbha. If you take Western Maharashtra, pura khatam ho gaya ab. Western Maharashtra mein pura 58 seats hai, usme Mahayuti 37 सीट जीत रहे, महाविकास आघाड़ी 20 सीट जीत रहे, अदर सिर्फ एक सीट जीत रहे। कोंकण में, मराठवाड़ा में और नॉर्थन महाराष्ट्र में, विदर्भ में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में थोड़ा दिख रहे, मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र कुछ ज्यादा सीट्स आ रहे महाविकास आघाड़ी को, केवल वो भी 20 सीट इधर आने का चांसेस है। सो ओवरऑल महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, के सर्वेश ने क्या बोल रहे, ये देश पूरा, ईच एंड एवरी पर्सन इज वेटिंग फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, एवरी पर्सन इज वेटिंग व्हाट के सर्वेश एज ए ब्रांड देयर सेकिंग, बिकॉज वी केम बैक वेरी स्ट्रांगली दिस टाइम इन महाराष्ट्र, दिस टाइम वी डोंट वॉन्ट टू डू एनी मिस्टेक लाइक हरियाणा, बिकॉज वी डोंट कंसिडर द इंडिपेंडेंट वोट परसेंटेज इन हरियाणा, सो we took it as a challenge, we took it as a lesson, we came back very seriously. Now in Maharashtra, entire total number of 288 seats, out of 288, 225 seats are going to Mahayuti. It's not a small win, it's not a medium win, it's a historical win to Mahayuti in Maharashtra, 225 seats to Mahayuti NDA and 56 seats to Mahavikas Agadi, mark my words, you can check back this one after 23 results. Others ko 7 seats ko ja rahe, so total 288 seats out of 288 seats, 225 seats are going to Mahayuti and sirf 56 seats are going to Mahavikas Agadi. So Maharashtra charitralo ఘన విజయం సాధించబోతుంది మహాయుతి, ఎన్డీఏ కూటమి 225 సీట్లు మహాయుతి గెలుచుకొని హిస్టారికల్ విన్ కొట్టబోతుంది అక్కడ. సో ఇప్పుడు పార్టీల వైజ్ గా చూస్తాం, ఒక్కొక్క పార్టీ ఏం గెలుస్తుంది, ఏం చెప్తుందని ఒక్కొక్క పార్టీగా చూస్తాం. బీజేపీ 150 సీట్స్ ఇట్స్ కంటెస్టింగ్, అవుట్ ఆఫ్ 150 సీట్స్ ఇట్ ఈస్ విన్నింగ్ 135 సీట్స్, 135 సీట్స్ ఇట్స్ విన్నింగ్. షిండే, షిండే శివసేన 63 seats it's winning out of 77 seats. Out of 77 seats, it's winning 63 seats. Remarkable win. Ajit Pawar NCP, it's contested in 50 seats. ये brand है, ये पूरा देश को पता चलना है. इसके लिए हम पूरा मेहनत करके हर एक विधानसभा को challenging लेके, मतलब individual conscience को, एक महाराष्ट्र में एक ही कॉन्शियंस है उसको करना है. जैसा हमें काम किया पूरा 288 सीट्स कंपेयर करके, आप देख लीजिए, आप हर एक स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, बाद में कंपेयर करके हमको बताइए. तो आप ये पूरा देख रहे हैं ना, व्हेन वी आर वर्किंग विद द नंबर्स, व्हेन वर्किंग द ऑन ग्राउंड एवरीथिंग, व्हेन वी ऑब्जर्व. एक महीने के पहले मैं बहुत लोगों का मिला है, मतलब बीजेपी की तरफ से, नहीं तो कांग्रेस की तरफ से, हर एक लीडर्स को ज़्यादातर मिलने का कोशिश किए हमें. We had a couple of discussions with the prime leaders also. तो उन लोगों के discuss करते समय में, 1 month का पहले महाविकास आघाड़ी को मतलब chances बहुत ज़्यादा है जीतने के लिए, मतलब 10-15 seats आगे है. एक आदमी को ये पूरा turnaround कौन किया, एक आदमी का नाम बोलो के बोल दिया, तो हम सिर्फ यही नाम लेगा, एकनाथ शिंदे. तो बीजेपी पीछे है, उसको सपोर्ट कर रहे, फिर भी मैं आई वॉन्ट टू पर्सनली कंग्रेचुलेट एकनाथ शिंदे जी. तो आप कहा जहाँ जहाँ सीट्स, मतलब इन ये शिंदे का देना है, नहीं तो बीजेपी को देना है, नहीं तो इधर अजित पवार को देना है, उधर 100% आपने सही दिया. और कैंडिडेट्स को भी पहले बार 40,000 आया, इसको लेंगे, नहीं तो इसको नहीं देना है, इसको कैंडिडेट्स को लेना है, दे नहीं देना है. तो आई यू डिसाइडेड द सीट्स वेरी वेल एंड एज ए स्ट्रैटेजिकली फ्रॉम द बिहाइंड डोर्स व्हेन वी ऑब्जर्व. Congress have to learn lot from you and where to give the seats, where not to, and where they have to, INC have to contest, and where NCP have to contest, or where Sharad Pawar have to contest. If you have to take do number, do naam lijiye, matlab agar puch le to,
ये पूरा रिजल्ट इस तरफ आने के लिए पहला रीजन शेखनाथ सिंह है, और दूसरा तरफ मैं शरद पवार जी को मतलब ये नंबर्स देखने के बाद, मतलब एक एक विधानसभा देखने के समय में, नंबर्स आते समय में, कैंडिडेट्स को चूज करते समय में, इवन दो ही इज वोल्ड ही शोइंग ही स्ट्रेंथ, उसका दम और कैंडिडेट सेलेक्शन के सामने रखने के समय में, और स्ट्रैटेजिकली व्हेन शरद पवार जी टेकिंग द डिसीजंस, वी आर सीइंग द रिजल्ट्स इन द नंबर्स वाइज, मे बी सम फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंस आर देयर विद लेस नंबर्स दे आर लूजिंग, बट दो आदमी को मैं सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ, वो पहले एकनाथ शिंदे जी को महायुति की तरफ से, महाविकास आघाड़ी तरफ से शरद पवार जी को नमस्कार जी, आपका मतलब बहुत आपका एक्सपीरियंस दिखा है इधर, पर महाविकास आघाड़ी ने उतना जीत नहीं सकते। सो दीज आर द डिटेल्स फ्रॉम द महाराष्ट्र, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इफ यू थिंक अबाउट एनी सर्वे, इफ यू कैन थिंक अबाउट एनी सर्वेस एंड स्ट्रैटेजीज, द फर्स्ट नेम यू शुड रिमेंबर इज KK फ्रॉम द KK सर्विस ब्रांड। तो KK सर्विस इट्स नॉट जस्ट ए नेम, इट्स ए ब्रांड, एंड वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन वेस्टर्न साइड, दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड वील कवर ईच एंड एवरी स्टेट, एंड वील मीट विथ ईच एंड एवरी पार्टी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स, गोइंग फॉरवर्ड एनी वन हू रिमेंबर्स, पीपुल क्या सोच रहे, लोग क्या सोच रहे, लोग किसको वोट देना चाहते हैं, ये मामला अगर सामने आ गए तो आपको सिर्फ एक नाम सुनाई देगा, KK। सो विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वी आर प्रॉमिसिंग यू वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी थ्रू आउट द ऑल द स्टेट्स इन एंटायर इंडिया, एंड वील कम बैक वेरी स्ट्रांगली इन ईच एंड एवरी स्टेट, बिकॉज KK सर्विस ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ब्रांड है। थैंक यू।